श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो कि आप यह उपाय श्राद्ध पक्ष में करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने पितरों को मुक्ति दिला सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि अगर आपके पितर नाराज हैं या आपको पितृ दोष है, तो उसके लिए सबसे सरल और आसान उपाय, यह उपाय करने के लिए आपको थोड़ा सा गंगा जल एक कटोरी लेकर आपको अपने घर के पास में, अपने घर में जो भी तुलसी का गमला हो, तुलसी का क्यारा हो, वहां पर बैठ जाना है। तुलसी के गमले के पास में बैठकर आप गंगा जल अपने हथेली में रखकर अपने पूर्वजों को स्मरण करें और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर उस कटोरी में जल को डाल दें। ऐसा आप 5 बार 7 बार अगर कर देते हैं तो आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और आपके पितरों को शांति प्रदान हो जाएगी। आपके पितर अगर नाराज होंगे, आपके पितर अगर दुष्ट होंगे, तो वो संतुष्ट हो जाएंगे और आपका जो भी काम में रुकावट आ रही थी, उस काम में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। अगले उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि अगर आपके पितर रुष्ट हैं, आपके पितर नाराज हैं, आपको कोई बता दिया है कि आपके घर में पितृ दोष है, तो आपके लिए यह बहुत सरल और आसान उपाय है, जो कि आपको यह उपाय सिर्फ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही किया जाता है। श्राद्ध पक्ष में यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको ज्यादा कुछ सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय करने के लिए आप अपने घर में एक कटोरी ले, कटोरी में चावल भर दें। चावल भरकर उसमें आप थोड़ी सी दुर्वा और एक बेलपत्र रख दें। रखकर आप उसको अपने मटके के पास में रख दें और रोज शाम को एक घी का दिया जलाएं। यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष में, पूरे श्राद्ध पक्ष में कर सकते हैं। अगर आप 16 दिन कर ले तो अच्छी बात है, अगर 16 दिन न कर सके तो आप कम से कम यह उपाय 3 दिन तक तो जरूर करना है। तो 3 दिन तक अगर आप चावल की कटोरी में भर के, आप दुर्वा और एक बेलपत्र रख के मटके के पास 3 दिन लगातार दिया जलाएं, और उसके बाद जो आप बेलपत्र और दुर्वा कटोरी पे रखे हुए हैं, उस दुर्वा और बेलपत्र को ले जाकर शंकर भगवान के शिवालय पर, शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ऐसा कर देने से आपके घर से पितृ दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं संतान प्राप्ति उपाय। जिस व्यक्ति को शादी के 20 साल 25 साल निकल गए हैं, संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में संतान सुख प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए जब श्राद्ध पक्ष में आपके घर में किसी का श्राद्ध मनाया जाए, आपके दादा दादी या किसी का श्राद्ध के महीने में, जब श्राद्ध के तिथियों में पंडित जिमाए जाते हैं, उस समय आपको यह उपाय करना है। जब आपके घर में पंडित जिमाए जाएं, पंडित को भोजन पे आप बुलाएं, पंडित को भोजन कराएं, तो भोजन चाहे कोई भी परस दे, भोजन की थाली कोई भी लगा के पंडित को जिमा दे, लेकिन जो खीर की कटोरी है, वह कटोरी उस स्त्री से भरवा कर आप दे जिसको संतान प्राप्ति नहीं है, जिसको संतान का सुख नहीं है। उस स्त्री से अगर आप खीर की कटोरी ब्राह्मण को जिमवाते हैं, तो अगली श्राद्ध आते आते आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। शिव
और पितृ के आशीर्वाद से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। यह तीनों उपाय आप श्राद्ध पक्ष में करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने बड़ी सी बड़े परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।